हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शैलेश। तो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड लाइब्रेरी। एंड इफ यू हैव न्यू टू आवर चैनल और नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं आप लोग के सामने, ठीक है? तो हमारा आज का टॉपिक है वेब डेवलपमेंट रोड मैप, कि हमारा क्या रोड मैप रहेगा, हम किस तरफ पढ़े कि हम वेब डेवलपमेंट में जीरो टू मास्टर बन जाए। ओके, बेसिक टू फुल एडवांस का पूरा रोड मैप लेकर आए हैं आप लोगों के सामने हम इस बार। चलिए देखते हैं क्या है हमारा रोड मैप में, ठीक है? तो पहले आता है हमारा कंटेंट, कि हमारा रोड मैप में रहेगा क्या, हमें क्या क्या पढ़ना है रोड मैप में। ओके, तो पहले आता है बेसिक्स। तो बेसिक्स ऑफ रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट क्या है, कि हमें HTML, CSS, JavaScript ये आप लोग को पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि यही हमारा वेब डेवलपमेंट का बेस है। ओके, तो ये हमें पढ़ना है। ओके, तो आपका HTML, CSS, JavaScript तो हो गया, अब आपको बूटस्ट्रैप भी साथ साथ पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें CSS के बहुत सारे क्लासेस दी हुई है, जिसमें आपको CSS पूरा लिखना नहीं पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? बेसिकली उसमें क्लास होगा, उसमें पहले से लिखा रहेगा बहुत कुछ CSS का, तो आप यूज़ कर पाओगे। तो ये बूटस्ट्रैप का पूरा था प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो आप बेसिक्स पढ़ लेना, ठीक है? मैं सबका रिसोर्सेज बताता हूँ नीचे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा रिसोर्सेज का लिंक सब दिया हुआ है, ब्रीफली डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। ओके, तो जब बेसिक्स ख़त्म कर लोगे उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, फ्रंट एंड में आना है। फ्रंट एंड, ओके, फ्रंट एंड मतलब क्या हुआ, जो वेब वेब वेबसाइट का हम लोग को सामने दिखता है ना सब कुछ, डिज़ाइन वगैरह, वो फ्रंट एंड हो गया हमारा। ओके, तो आप पहले तो HTML, CSS और बूटस्ट्रैप भी सब आप फ्रंट एंड कर सकते हो, बट जब आप हायर प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कोई इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तब आप लोगों को फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आपको कोई फ्रेमवर्क लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या है हमारा फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट JS और एंगुलर JS, और एक है व्यू JS, बट ज़्यादा यूज़ क्या होता है हमारा, रिएक्ट और एंगुलर होता है, ठीक है? पर ज़्यादा पॉपुलर रिएक्ट है। तो ये आप लोग पढ़ लो, ठीक है? आपका फ्रंट एंड में हो गया। मैं अभी पहले बता रहा हूँ क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, फिर मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा कैसे कैसे पढ़ना है आप लोग, ठीक है? तो वीडियो को आप एंड तक देखना। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे हम लोग अभी संडे संडे इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं आप लोग के सामने, तो क्या आप लोग चाहते हो कि हम लोग वीक में दो वीडियोस लेकर आए, या फिर संडे संडे का एक ही वीडियो सही है? तो जो आपको जैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में बताओ हमें, कि आप लोग को एक एक वीडियो ही चलेगा संडे संडे का, और साथ साथ जो DSA का चलता है हमारा सॉल्यूशंस, या फिर आप लोग को दो वीडियो चाहिए पर वीक। ओके, तो जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको बोलना आप कमेंट्स बता सकते हो हम लोग को, ठीक है? अब जब फ्रंट एंड पढ़ लेंगे हम, तो आते हैं बैक एंड की तरफ। तो बैक एंड में क्या आता है हमारा, नोड JS होता है, Django आता है, फिर एक PHP भी है, बट PHP बहुत पुराना हो चुका है, वो अभी कहीं यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, बहुत छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में होता है। अब सब कुछ शिफ्ट कर रहे हैं नोड JS और Django की तरफ। नोड JS बेसिकली हो गया पूरा JavaScript पूरा हो गया, ठीक है? JavaScript में लिखते हैं पूरा नोड JS हम लोग। और दूसरा होता है Django, जो पूरा Python में लिखा जाता है। अगर आपको JavaScript ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप नोड JS कर सकते हो, अगर आपको Python ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप Django कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है दोनों करना, बट आपको मन किया दोनों करने का आप दोनों कर सकते हो, बट बेटर वे है कि आप कोई एक चीज़ पकड़ो, उसको अच्छे से करो पूरा एडवांस लेवल तक। ओके, डेटाबेस में क्या आता है हमारा, SQL आता है और MongoDB। MongoDB बेसिकली हमारा NoSQL डेटाबेस है, वो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ MongoDB, क्योंकि मैं वो यूज़ किया बहुत अच्छे से। अब SQL भी यूज़ करते हो, वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है हमारा, ठीक है? तो आपका चॉइस, आप कोई भी यूज़ करो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, दोनों सही है, ठीक है? अब चलिए बताते हैं कि आपको पढ़ाई किस तरह करना है। तो पहले ये सब लिंक्स के पहले आपको मैं दो कोर्स के बारे में बताता हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कोर्स का, मैं मुझे ये कोर्स बहुत अच्छा लगा, मैं खुद ये कोर्स किया हूँ, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब कोर्स, ठीक है? और आप लोग को कोई कोर्स खरीदने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना आपके पास, मैं सबका जुगाड़ लेकर आया हूँ। मैं सबका डाउनलोड लिंक्स जो फ्री है इंटरनेट में, उसका पूरा कॉपी डाला हुआ है एक नेट, मतलब एक वेबसाइट में डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये पहला है फुल स्टैक कोर्स, ठीक है? पूरा बिल्कुल फ्री है। ओके, तो वो क्या करना है बेसिकली, ये लिंक खोलना है, ठीक है? बस इसमें क्या करना है आप लोगों को, नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे 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 जाएंगे आप, और आप लोग देखिए यहाँ 23 GB का ये फाइल है। आप यहाँ डाउनलोड में क्लिक करोगे और आपका पूरा ये वाला जो कोर्स है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके डेस्कटॉप या PC में। ओके, तो और ये पहला कोर्स हुआ आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट का। बट यहाँ पर जो है आपको HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap ये सब तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स पूरा कवर हो जाएगा।
इसमें आपका नोड जेएस भी पढ़ाया गया है और रिएक्ट जेएस भी पढ़ाया गया है, ठीक है। बट जो रिएक्ट है वो पूरा एडवांस तक नहीं गया हुआ है, आपका बेसिक्स टू मीडियम लेवल तक पढ़ाया गया है इसमें। नोड जेएस का भी वही सीन है, बेसिक से मीडियम लेवल तक इसमें पढ़ाया गया है, पूरा एडवांस नहीं है। बट आप लोग को अगर वो एडवांस तक पढ़ना है तो मैं बताता हूँ ना, मैं आपके पास हूँ, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले तो ये कोर्स करना है, ठीक है। इससे आपका बेसिक्स पूरा क्लियर होगा, आप मीडियम लेवल तक आप सब कुछ जान जाओगे। अब दूसरा कोर्स है ये आपका नोड जेएस का कोर्स है, ये बहुत पॉपुलर कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। मैं पर्सनली बहुत मुझे अच्छा लगा ये कोर्स। तो ये आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको इसका भी डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। ये 15 GB का फाइल है। आपको दिक्कत हो रहा होगा, भाई मेरे पास तो 1.5 GB 2 GB नेट पर डे का रहता है, तो मैं डाउनलोड कैसे करूँगा 23 GB 15 GB का फाइल। तो मेरे पास एक आइडिया है, आपके घर के बगल में कोई भी साइबर कैफ़े होगा आपके यहाँ पर, ठीक है। आप वहाँ जाओ, वहाँ पर 10 रुपये दे के आधा घंटा फ्री नेट चला सकते हो अनलिमिटेड। बट आप आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर एनफ है ये डाउनलोड करने के लिए। तो अगर 1 आवर नहीं तो 2 आवर्स एनफ है। आप जाओ साइबर कैफे में, डाउनलोड कर लो वहाँ पर कुछ पैसे देकर जो वो चार्ज करते हैं नेट का। अगर आपके और अगर आपके वहाँ घर पे वाईफाई लगा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डाउनलोड करके अपना कोर्स एंजॉय करो, ओके। तो ये 2 कोर्स हुआ, पहले आपको कर लेना है, ओके। अब क्या करना है, मैं जब ये बता दिया आपको क्या करना है, रिएक्ट, ठीक है। मैं रिएक्ट क्या बोला था, ऊबा वाले कोर्स, ये वाले कोर्स पे आप लोग को मीडियम लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा। बट आपको तो एडवांस लेवल तक सीखना है ना, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, ऊपर वाले का रिएक्ट तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है ना 3 यूट्यूब का, ये बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली ये वाला प्लेलिस्ट देखा हूँ, भाई ये बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है। आप पूरा रिएक्ट में 0 to Master बन जाओगे, पूरा एडवांस लेवल तक सिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो मेरा ये यूट्यूब का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कोर्स किया हूँ ये प्लेलिस्ट से, तब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वो सिंपली यहाँ 3 यूट्यूब का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, बस आपको जाना है और ये प्लेलिस्ट पूरा ख़त्म कर लेना है। आई थिंक फर्स्ट प्लेलिस्ट में आपका अराउंड 77 वीडियोज़ है और बाकी में शायद 20-30 वीडियोज़ है। तो पहले जो लिंक है प्लेलिस्ट का, इसमें आपका पूरा रिएक्ट कवर हो जाएगा, ओके। और एक रिएक्ट में आता है स्टेट मैनेजमेंट का, जिसके लिए हम लोग रिडक्स यूज़ करते हैं, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट API भी यूज़ कर सकते हो। बट इस प्लेलिस्ट में रिडक्स से सिखाया गया है, तो इसमें आप स्टेट मैनेजमेंट सीख सकते हो कि रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट किस तरह किया जाता है, ओके। और तीसरे में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रिएक्ट के, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप प्लेलिस्ट कवर कर लो तो आपका रिएक्ट पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। लास्ट में ये प्रोजेक्ट्स का मैं बताऊंगा, बट पहले आप लोगों को ऊपर के लिंक्स का कुछ फ़ायदा बताता हूं मैं, ठीक है। तो पहला बात, आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो यहां पर 2 किस्म के आदमी होते हैं। पहला, जिन्हें वीडियो से सीखना अच्छा लगता है और वो वीडियो से पढ़ लेते हैं पूरा। दूसरा, जिन्हें डॉक्यूमेंटेशन अच्छा लगता है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। क्या, देखिए, जैसे आपका यहाँ पर HTML CSS JavaScript का डायरेक्ट फुल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया हुआ है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, इधर से w3skill.com है, यहाँ जाना है आप लोगों को, और सिंपली यहाँ देखिए लर्न HTML CSS बूटस्ट्रैप सब कुछ दिया हुआ है। आप लोगों को HTML पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सब कुछ, यहाँ जितना A to Z सब कुछ यहाँ HTML खुल चुका है। अगर नहीं मिला हो तो मोर पे जाओ, मोर पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, HTML, CSS, Bootstrap, आइकन्स, ग्राफिक्स, JavaScript का पूरा सब कुछ, आपको Python जो पढ़ना सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। बट बेसिकली मैं अभी वेब डेवलपमेंट का बता रहा हूँ, तो उसका आप लोग यहाँ सीख सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारा आपका MDN Docs, ये बहुत पॉपुलर MDN Docs है। आपको कुछ भी यहाँ सर्च करना है, जैसे आपको H1 टैग सर्च करना है, H1 लिख के आप एंटर मारोगे, आप लोग का यहाँ पर सर्च हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक किया आपने तो आपका यहाँ निकल के आ गया कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं यहाँ कैसे कैसे H1 आप यूज़ कर सकते हो, H2 टैग, ये सब कुछ दिया हुआ है। और एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ वो कैसे सर्च करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग को सर्च करना है H1 कैसे काम करता है टैग, सिंपली क्या करना है, आप लोग को लिखना है H1 MDN, इतना लिख के एंटर मार देना है आप लोग को, बस आपका देखिए यहाँ आ गया। अब देखिए वो सेम पेज ही खुला, आप लोग को उतना सर्च नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपको गूगल में मारा आपने, आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह आपको सर्च करके आपको पढ़ना है, ओके। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एक डेव डॉग्स भी है यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ एक बहुत अच्छा सा चीट शीट दिया हुआ था, मुझे नेट पे मिला, ओके। तो यहाँ सिंपली क्या करना है आप लोग को, यहाँ आप लोगों को पूरा A से लेकर Z तक सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। जैसे आते हैं HTML पे, ओके। तो यहाँ HTML का पहला बॉयलर प्लेट क्या होता है वो दिया हुआ है। A से देखिए आपका टैग शुरू हुआ है, A से, B से सारा टैग दिया हुआ है, CDL सब कुछ दिया हुआ है, इनपुट कैसे लेते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, इमेज कैसे लेते हैं, चीट शीट है।
अगर आप कुछ भूल जाओ कि क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आओ और यहाँ पर देख सकते हो पूरा चीट शीट में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये HTML हो गया, फिर अब CSS आता है, CSS का सारी प्रॉपर्टी दी हुई है, आपको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप यहाँ जाकर पढ़ सकते हो आराम से। ओके, अब आते हैं कलर्स में। आप सोचते हो ये कलर्स मैं कहाँ से लूँ, तो मैं तीन लिंक देता हूँ कलर्स का। जैसे पहला है colorhunt.com, तो आप यहाँ पर आके सिंपली कोई भी कलर्स उठाओ, यहाँ बहुत सारे कलर्स, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स दी हुई है, ठीक है। इसी तरह एक थर्ड कलर्स भी है, फ्लैट यू आई, आप देख लेना। ये आप मत भूलना UI ग्रेडियंट्स, ये बहुत फेवरेट साइड है मेरा। यहाँ आपका बहुत सा ग्रेडियंट्स कलर्स है, जैसे आप यहाँ जाओगे ना शो ऑल ग्रेडियंट्स, यहाँ बहुत से ग्रेडियंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सही सही ग्रेडियंट्स यहाँ मिलता है आप लोगों को। सिंपली यहाँ पर आपको आना है कोड पे और क्लिक टू कॉपी, आपका काम खत्म, जाके आपको CSS पे पेस्ट कर देना, आपका ये कलर लग जाएगा। तो यहाँ आप कलर्स देख सकते हो। अब आते हैं फेविकॉन्स में। फेविकॉन्स क्या होता है आप लोगों को तो पता होगा, आप डेवलपमेंट कर रहे हो वेब डेवलपमेंट अगर, तो जैसे आप ये वेबसाइट देख रहे हो, इसके देखिए ऊपर में नाम के बगल पे दिख रहा है आपको आइकन, उसको बोलते हैं फेविकॉन। तो ऐसे तो आपको ये पर्टिकुलर इमेज लगा भी सकते हो, बट आपको मान लीजिए कोई खुद का बनाना है, जैसे आपको मान लीजिए ए लिखना है, तो आप खुद से यहाँ ए लिख कर आप फेविकॉन बना सकते हो। नहीं तो आप यहाँ इम्पोर्ट इमेज में क्लिक करो और इमेज यहाँ से चूज करके आप वो पर्टिकुलर इमेज का फेविकॉन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब आते हैं हम लोग कहाँ पर फेविकॉन के बाद, फॉन्ट में। तो वैसे तो फॉन्ट का आप लोग जानते हैं, गूगल फॉन्ट सबसे फेमस साइट है, तो वहाँ पे जाओ और गूगल फॉन्ट से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सारे बहुत फॉन्ट्स है, आई थिंक रोबोटो और मॉर्जरेट बहुत फेमस फॉन्ट है, तो वो आप यूज़ करो, बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स है, चलिए अब दिखाते हैं आपको और क्या क्या है। और एक फॉन्ट का है वो आप देख लेना, ठीक है, मैं लिंक पे सब कुछ दे दिया हूँ। अब आते हैं आइकन्स का। बहुत लोग बोलते हैं भाई मुझे आइकन्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आइकन्स का एक लिंक दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ फ्लैट आइकन्स, ठीक है, तो यहाँ को बहुत सारे अच्छे अच्छे आइकन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी आइकन्स को क्लिक करो और बहुत क्यूट क्यूट से आइकन्स यहाँ मिलते हैं, आप लोग को सिंपली डाउनलोड में क्लिक करना है, कोई भी एक आइकन्स उठाओ और ये PNG फाइल लेकर बस डाउनलोड क्लिक डालो, ठीक है। इसमें रजिस्टर कर लेना, करना हुआ देखो क्या बोलता है, फिर डाउनलोड कर लेना, बहुत क्यूट क्यूट यहाँ से आपको आइकन्स मिल जाएगा। अब उसके बाद आइकन्स ख़त्म हुआ, अब आते हैं GIF। आप GIF तो WhatsApp में बहुत देखते ही होंगे, ठीक है, तो कुछ अपने वेब में भी लगा दिया करो GIF। तो इस लिंक पे आप जाओगे तो आपको बेसिकली बहुत से यहाँ GIF मिल जाएंगे, तो आप कोई भी GIF उठा के, ये भी लोड हो रहा है, आपको लोड हो गया दिखाता हूँ, ठीक है, लोड होने दीजिए, जैसे एक लोड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो GIF लगाना है, आप आराम से GIF लेके आप लगा सकते हो अपने वेबसाइट में। ओके, तो देखिए ये इतना सारा लोड हुआ है, अभी और लोड होगा नीचे, नेट इसमें बहुत लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, खोल के डाउनलोड कर सकते हो, अपने वेबसाइट पे लगा सकते हो, ठीक है। ये सब रिसोर्सेज है, जैसे प्रोटोटाइप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरह का डिज़ाइन करना है अपने वेबसाइट के लिए, तो मैंने यहाँ दो लिंक दिया है, uipattern.com और dribbble.com। तो कोई दोनों में से कोई भी आप खोल लेना, उसमें जाना और सिंपली बहुत सारे यहाँ UI दिए हुए हैं, आप कोई भी UI लेकर आप उसका डिज़ाइन देख सकते हो। आप आइडिया, जैसे ये दिया हुआ है एक, आप इसका खोल के इसका आइडिया ले लो कि किस तरह इसने डिज़ाइन किया अपने UI को, तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई मुझे भी ऐसे डिज़ाइन करना है, या आप यहाँ से आप इसका क्लोन भी बना सकते हो, आपका मर्जी। तो यहाँ से आप पूरा डिज़ाइन देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि कैसा डिज़ाइन होना चाहिए आपका वेबसाइट का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये मैंने यहाँ दो लिंक शेयर किया मैंने, ठीक है, प्रोटोटाइप के लिए। अब आते हैं कोड शॉर्टनर। ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ उतना काम का है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ क्या काम के लिए है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपना वेबसाइट बना लिया है, पूरा HTML CSS JavaScript ने अपने कोड कर लिया है, ओके, तो अब लोग क्या करना है, बस सिंपली आपको, मतलब मान लीजिए आपका वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आपको वो कम करना है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई CSS लिखा, मान लीजिए H1, ओके, तो आपने क्या दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने दिया ये कर्सर हमारा मार्जिन 25 पिक्सल, ओके, तो आप यहाँ मिनिफाई में क्लिक करोगे ना, तो ये आपका क्या करेगा, आपका सारा वाइट स्पेस हटा देगा, इससे ज़्यादा काम का है नहीं, बस आपका बाइट्स कम कर देगा, थोड़ा स्पेस कम खाएगा बस उसके लिए, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर भी सकते हो, इस वाले लिंक को, ठीक है। अब बात आता है कि भाई मुझे अच्छा अच्छा HD फोटोज़ कहाँ से मिलेगा मुझे अपने वेबसाइट के लिए, अभी फ्री आप लगा सकते हो आराम से। तो मैंने यहाँ इतना सारे वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, मैं आपको फ्री फोटोज़, थाउजेंड्स ऑफ फोटो आपको या मिलियंस ऑफ फोटो आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी एक लिंक खोलो, सारे में आप कोई भी फोटो ढूंढो, मान लीजिए आपको फ़िश ढूंढना है, आप फ़िश लिख के सर्च मार दो, सिंपली आपको इतने अच्छे अच्छे फोटोज़ मिल जाएंगे, पूरे HD फोटोज़, वो अपने वेबसाइट पर लगा सकते हो, ठीक है।
कुछ भी आप लगा सकते हो यहाँ पर कोई भी फ़ोटो लेकर, ओके। तो ये मैंने इतने सारे लिंक्स दे दिए हैं फ़ोटोज़ के, वो आप देख लेना, ठीक है। अब आते हैं, आप रिएक्ट में बना रहे हो तो कोई आप यूआई के कुछ यूज़ करो कोई फ्रेमवर्क, तो यहाँ एक रिएक्ट मटेरियल यूआई है, ठीक है, तो वो आप खोल लेना। तो यहाँ पर आप इसको यूज़ करके ये फ्रेमवर्क को आप एक डिज़ाइन बना सकते हो अच्छा रिएक्ट में, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, बहुत जगह आपको देखा होगा, अगर आप कोड फोर्सेस देते हो तो भी देखा होगा, अभी विंटर वेकेशन चल रहा है अभी, तो उसमें पीछे स्नो का कुछ इफेक्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो आप इसे बस खोलना ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को, और वो अपने वेबसाइट में आप पीछे एक होता है ना वाटरमार्क टाइप का होता है, तो वो आप दे सकते हो। जैसे देख लीजिए, ये दिख रहा है यहाँ पर पूरा दी हुई है, यहाँ पर ये मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये चेंज हो गया पूरा बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये दिया, इसको क्लिक किया, देखिए बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर लगाना है सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे रेड लगाना है, और ये जो दिखा ये कोड ये लपा है, बस ये कोड कॉपी करके आपको ये कोड कॉपी करना है और सीएसएस में आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा डिज़ाइन, ये डिज़ाइन हो गया, ये डिज़ाइन हो गया, बहुत सारा डिज़ाइन आप कुछ भी लगा सकते हो, एक मतलब अच्छा लगेगा दिखने में आपका वेबसाइट पे, ठीक है। अब आते हैं नीचे API, ये क्या होता है बेसिकली, आप बोलोगे कि मुझे API कहाँ ढूंढना है, तो यहाँ भरा हुआ है पूरा API, आप कोई भी कंपनी का आप API यूज़ कर सकते हो, जैसे Spotify का API यूज़ कर सकते हो आप, तो यहाँ बड़ा कर देता हूँ, Spotify का API यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, Instagram का API यूज़ कर सकते हो, Google का API, बहुत कुछ है यहाँ पर, आप Gmail का API यूज़ कर सकते हो, यहाँ बहुत सारा भरा हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, देख लेना आप, ठीक है। खोल के आप कोई भी API यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट पर लगाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं NPM पैकेज, तो ये बेसिकली Node.js का पैकेज मैनेजर है, NPM मैनेजर, या कोई भी आप पैकेज सर्च करके अपने आप Node.js में लगा सकते हो। आप वो कोर्स करोगे तो आपको वहाँ देखने मिल जाएगा कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ओके। तो ये रहा हमारा ट्रैक और कुछ लिंक्स जो यूज़फुल लगा मैंने आपके साथ शेयर किया है, ओके। ये बेसिकली जो मैं अभी लिंक्स दे रहा हूँ ये पूरा मर्ज स्टैक के ऊपर है, जैसे मैंने आपको रिएक्ट के ऊपर पूरा लिंक्स दे दिया है, Node.js पर लिंक्स दे दिया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया है तो मुझे पता है कहाँ से पढ़ना है और सही पढ़ने का कोई ट्रैक है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हो, इसका मैंने पूरा लिंक्स दे दिया है, ये टॉपिक्स में रिएक्ट का हो गया, Node.js हो गया, और ये आप साथ साथ सीख जाओगे वो आप कोर्स करोगे तो, ओके। तो उसका फ्री डाउनलोड का लिंक मैंने दे दिया है। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आप वो कोर्स करोगे ना तो आपको वहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट बहुत सारे दिख जाएंगे, आप बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट वहाँ से बना लोगे, आपको अच्छा लगेगा भाई हाँ मैंने भी कुछ बनाया है, ठीक है। अब आते हैं आपको कुछ अच्छा बनाना है, मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम जैसा कुछ बनाना है आपको, जिसमें आप कुछ भी पोस्ट कर सको, लाइक कर सको, पोस्ट को कमेंट कर सको, आप फॉलो कर सको किसी को भी, लॉगिन कर सको, अकाउंट बना सको, किसी का प्रोफाइल देख सको, वैसा कुछ बनाना है आप लोग को, तो ये भी एक यूट्यूब में फ्री है, आप देख सकते हो जाके, इसका लिंक मैंने दे दिया है, ये प्लेलिस्ट का बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ये देख सब कुछ करने के बाद आप ये देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह API को आप इंटीग्रेट करोगे बैकएंड से फ्रंट एंड में, किस तरह सारे API कॉल्स होंगे, किस तरह फ्रेमवर्क रिएक्ट काम करेगा, सब कुछ बना पाओगे हाँ, और बैकएंड किस तरह लिख के आप पहले पोस्टमैन में आप उसको वो कर सकोगे, मतलब टेस्ट कर सकोगे, ठीक है। तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे बैकएंड फ्रंट एंड, सब कुछ यहाँ अच्छे से बताया हुआ है। तो आप ये देख लोगे प्रोजेक्ट, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा सा ही है, आप 4-5 दिन में ख़त्म कर सकते हो, 4-5 दिन ज़्यादा मैंने बोल दिया, 3 दिन में भी हो जाएगा, बस ये कर लेना तो आपका क्या होगा, एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा अच्छा सा, तो आप कुछ नया कुछ सोच पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, नाउ यू आर अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, बस इतना आपको फॉलो करना है और आप बन जाओगे फुल स्टैक वेब डेवलपर within 3 months, या आपने सही सुना within 3 months। तो 3 months कैसे हो रहा है, चलो मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो पहले अगर आप कोर्स करते हो तो आपका ये 1 month में आप पूरा ये दोनों कोर्स कर लोगे, 1 नहीं तो 1.5 मंथ आपका हो जाएगा दोनों कोर्स, ठीक है। अब आते रिएक्ट में आपको मैक्सिमम 15-20 days लगने वाला है, ठीक है। अब ऊपर जाओ, ये सबको अच्छे से पढ़ते पढ़ते आपका मोस्ट प्रोबेबली 2 months के आसपास आपका हो जाएगा, ठीक। अब आप आओगे नीचे, ये वाले मंच टैग का ये प्रोजेक्ट देख लोगे आपका, और इसको अगर बनाओगे खुद से तो आपका मोस्ट प्रोबेबली 20 days लग जाएगा आपका। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे तो आपका 3 months में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, आपका फुल पैकेज आपको मिल जाता है यहाँ पर मंच टैग का। मंच टैग मतलब MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड Node.js, ओके। तो आप बन जाओगे फुल स्टैक वेब डेवलपर, उसके बाद आप कहीं भी जाओ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो और जाके बस बड़े आदमी बन जाओ, और क्या ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। तब तक बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट संडे में, या फिर आपको अगर 2 वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो हमें,
और अगर कोई आपको टॉपिक लगे कि आप लोग को हमें वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, तो आप बता सकते हो हमें कमेंट पर। ओके, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन बाय बाय।